हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। इस वीडियो में हम कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लाइमेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ICSE स्टैंडर्ड 10 ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एंड बोर्ड पेपर्स ऑल्सो। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। The factors that affect the climate of a place are presence of mountains, the monsoon winds, latitude, varied relief, altitude, influence of the surrounding seas, western disturbances, jet stream, distance from the sea and El Nino effect. Next question, name the type of climate prevailing over India. Name any two factors responsible for it. India has tropical monsoon type of climate, and the reasons for this are India lies in the tropical belt, first reason, and second reason is its climate is influenced by the monsoon wind, which are largely confined to the tropics. Question 3. Name the place in India which receives the highest rainfall. Mausandram in Meghalaya receives the highest rainfall in India. अब ये आंसर एक गिव रीज़न के फॉर्म में भी आ सकता है और उसका आंसर रहेगा, Mausandram in Meghalaya stands on the windward side of Khasi Hills and blocks rain bearing Bay of Bengal branch of southwest monsoon winds. Hence, Mausandram in Meghalaya receives highest rainfall. किसी भी hills के दो साइड रहते हैं, एक windward साइड और एक leeward साइड। Mausandram खासी hills के windward साइड पे है, तो जैसे ही southwest monsoon winds की Bay of Bengal branch जो moisture से भरी हुई है आके खासी hills को टकराती है, तो वहाँ काफ़ी बारिश हो जाती है, heaviest rainfall हो जाती है। Question 4. What type of wind is monsoon or what is monsoon? Monsoon are periodic or seasonal winds. They develop due to differential heating as well as cooling of the land and the sea. Monsoon periodic ya seasonal hawaein hain aur inke aane ka reason ye hai ki jo land hai aur sea hai उनका हीटिंग और कूलिंग का रेट सेम नहीं है, उनका हीटिंग और कूलिंग अलग अलग रेट पे होता है, तो इसलिए ये हवाएं चलती हैं और जब वे समुद्र से लैंड की तरफ आती हैं तो मॉइस्चर लेके आती हैं और बारिश होती है। मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है मौसम, लेकिन इसका इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये नहीं लिख सकते हैं, उसका डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है कि मॉनसून पीरियोडिक विंड्स हैं। मॉनसून का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ टाइप ऑफ रेनफॉल। इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, गिव रीजंस हैं, वो हम इसमें देखते हैं। विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन क्या है, रेन शैडो एरिया क्या है, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन क्या है, या विंडवर्ड साइड में हैवी रेनफॉल क्यों होता है, लीवर्ड साइड कम रेनफॉल क्यों होता है, और फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे। ये माउंटेन है, यहाँ पर वाटर बॉडी है, सी है, तो यहाँ से जो विंड आ रही है वो इस सी से मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए आएगी, तो जैसे ही ये मॉइस्चर वाली विंड आके ये माउंटेन से टकराती है तो उसका जो मॉइस्चर है वो पूरा यहीं पर ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो जाती है। जैसे ही ये विंड यहाँ पर हैवी रेनफॉल देके आगे बढ़ेगी, माउंटेन के उस तरफ जाएगी, तो उसके पास ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहता, इसलिए इस साइड बहुत कम रेनफॉल होता है। इस माउंटेन के इस साइड को रेन शैडो एरिया बोलते हैं या लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन बोलते हैं। ये विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन है जहाँ हैवी रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि मॉइस्चर पूरा विंड का मॉइस्चर यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है,
ये लीवर्ड साइड है. लीवर्ड साइड क्या है? द अदर साइड ऑफ द माउंटेन विच गेट्स वेरी लेस रेनफॉल इज कॉल्ड लीवर्ड साइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेन शेडो एरिया. अब हम उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. वेस्टर्न महाराष्ट्र और सेंट्रल महाराष्ट्र. वेस्टर्न महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड है, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड जैसे ही विंड यहाँ आएगी, मॉइस्चर यहाँ पूरा ड्रॉप हो जाएगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हैवी रेनफॉल होगी. और सेंट्रल महाराष्ट्र क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में आता है या लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन पे है, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल कम होगा. उसी का सेम एग्जाम्पल है वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स. तो ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड पे है और सेंट्रल महाराष्ट्र ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में है, तो इसलिए ईस्टर्न साइड में रेनफॉल कम होती है और वेस्टर्न साइड में हैवी रेनफॉल होती है. ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल का हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे. नॉर्थ ईस्ट में अभी हमने देखा था कि मौसिनराम में हाईएस्ट रेनफॉल होता है, ये खासी हिल्स के यहाँ पर है. जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच की साउथ वेस्ट मानसून विंड इन हिल्स से आके टकराती हैं, इनका जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होके यहाँ पर रेनफॉल के रूप में गिर जाता है और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. और जब यही विंड्स हिल्स के उस तरफ जाएंगी तो उनमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, ये रेन शेडो एरिया है और यहाँ पर रेनफॉल कम होगा. तो ये खासी हिल्स के यहाँ पर मौसिनराम में हैवीएस्ट रेनफॉल होती है. क्वेश्चन 6. राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून. यहाँ पर टू कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए दे बोला है. मैं आपको चार बता देती हूँ, आपको जो ईजी लगे वो दो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून आर द रेन्स आर मेनली रिलीफ टाइप और ओरोग्राफिक. अभी जो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेंस गेट मोर रेनफॉल देन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेंस. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ इराटिक और अनसर्टन. द क्वान्टिटी एंड द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द रेनफॉल कैनॉट बी प्रिडिक्टेड. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रेनफॉल अफेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी एज इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग 3 months, रेस्ट ऑफ द ईयर इज मोस्टली ड्राई. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये रिलीफ टाइप या ओरोग्राफिक है, इराटिक या अनसर्टेन है, इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करती है और मोस्ट ऑफ द रेनफॉल 3 महीने या 4 महीने ही होती है साल में, बाकी ईयर ड्राई रहता है. गिव रीज़न, मुंबई इज़ वार्मर देन कानपुर इन डिसम्बर. हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, तो उसमें से एक फैक्टर था डिस्टेंस फ्रॉम द सी. तो जो एरियाज़ सी के नज़दीक हैं या कोस्टल एरिया हैं उनके क्लाइमेट पे सी का काफ़ी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब वहाँ के सी उनके क्लाइमेट को इक्वेबल या मॉडरेट या मैरीटाइम बनाता है. मतलब वहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा. तो इसलिए विंटर सीज़न में वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर नहीं होगी और समर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी कंपेयर टू इंटीरियर. इंटीरियर में सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं है तो इसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है या एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. इसका मतलब है गर्मी में ज़्यादा गर्मी और विंटर में ज़्यादा सर्दी. तो ऐसा क्वेश्चन आंसर करने के टाइम आपको ध्यान देना है कि जो प्लेस के नाम दिए गए हैं वो कोस्टल एरिया है या इंटीरियर में है. चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. मुंबई बीइंग कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, हेंस क्लाइमेट इन मुंबई इज़ इक्वेबल और मॉडरेट. कानपुर लाइज इन द इंटीरियर एंड एक्सपीरियंसेस
continental type of climate. That is, it is not under the moderating influence of sea. That is, it experiences extreme type of climate. So in December, Mumbai is warmer than Kanpur. Question 8. Give reason. The northern plains of India experience continental type of climate. और इसका answer है, the northern plains of India are away from the moderating effect of sea. Hence, they experience continental type of climate, that is more hot in the summer and more cold in the winter season. Question 9. Give reason. Kanyakumari experiences equable climate. Kanyakumari lies in the coastal region. Hence, it is under moderating effect of the sea and has equable climate. Question 10. Even in summer, Shimla is cooler than Delhi. पिछले दो गिव रीजंस में हमने देखा कि नियरनेस टू सी कैसे प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, उसे इक्वेबल बनाता है, और अगर वो सी से दूर रहा तो उसे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहती है या एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहती है. तो इस क्वेश्चन में जो फैक्टर अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को वो है एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. यहाँ पर शिमला एक हिल स्टेशन है, हायर एल्टीट्यूड पे है, तो जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होता जाएगा. हर 166 मीटर हाइट में इंक्रीज होने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता रहेगा. तो इसलिए शिमला समर में भी दिल्ली से कूलर है. शिमला इज़ अ हिल स्टेशन एंड इट इज़ एट अ हायर एल्टीट्यूड देन दिल्ली. एल्टीट्यूड इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. For every 166 meter rise in the height, there is decrease in the temperature by 1 degree Celsius. Hence, even in summer, Shimla is cooler than Delhi. Altitude का climate पे effect का एक और मैंने यहाँ example दिया है, ऊटी और Kochi का. तो हमें देखना यह है कि ऊटी hill station पे है, इसलिए उसका altitude higher रहेगा, और जैसे ही altitude बढ़ेगा उसका temperature कम होगा. तो इसलिए ऊटी का टेम्परेचर कोची से कम है. बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड ऊटी हैज़ मच लोअर टेम्परेचर देन कोची. क्वेश्चन 11. गिव रीज़न. जयपुर हैज़ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मुंबई. पहले हम देखते हैं कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता क्या है. एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ द डिफरेंस बिटवीन the highest and the lowest temperatures in a year. As Jaipur is in the interior and away from the moderating effect of the sea, so it has continental type of climate, that is more hot in the summer and more cool in the winter compared to Mumbai, which is under moderating effect of the sea. So Jaipur has higher annual range of temperature than Mumbai. Question 12. The northern plains of India do not freeze in winter. The Himalayas act as a climatic barrier and prevent cold Siberian wind from entering India. Hence, northern plains do not freeze even in winter season. Presence of Himalayas एक factor है जो India के climate को affect करता है दो तरीके से. एक तो वो cold Siberian wind को India में आने से रोकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर्स नहीं होते हैं. और दूसरा, साउथ वेस्ट मानसून विंड को वो फोर्स करता है कि पूरा मॉइस्चर यहीं पर हो जाए, तो इसलिए अच्छी रेनफॉल इंडिया में हो जाती है. क्वेश्चन 13. नेम टू एरियाज विच गेट मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इन इंडिया. एरियाज इन इंडिया विच गेट मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल आर Western coastal plains and western slopes of western ghats. Second, Meghalaya hills like Garo, Khasi and Jaintia. Assam, Arunachal Pradesh and West Bengal. Question 14. Mention the four seasons that prevail in India, stating the months for each. The four principal seasons on the basis of monsoon variations are, first, hot and dry summer, March to May,
Second, hot and wet or rainy season or southwest monsoon season, June to September. Third, the retreating southwest monsoon, October to November. Fourth, cold and dry winter season or northeast monsoon, December to February. Question 15. What is the burst of the monsoon and the break of monsoon? The sudden violent onset of the monsoon in the first week of June is called burst of monsoon. When southwest monsoon fails to bring rainfall for two or more weeks and there is dry period in the rainy season, it is called break of monsoon. जून के पहले हफ्ते में बारिश की अचानक धमाकेदार शुरुआत को बर्स्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। अगर साउथ वेस्ट मानसून दो तीन हफ्ते के लिए रेनी सीजन के पीरियड में अगर दो तीन हफ्ते के लिए बारिश नहीं होती है, ड्राई पीरियड है, तो उसे ब्रेक ऑफ मानसून कहा जाता है। क्वेश्चन 16, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून शावर्स एंड ऑल्सो द लास्ट to see its withdrawal. Kerala is the first state to receive monsoon showers and also the last to see its withdrawal. बारिश केरला में आती पहले है और जाती लास्ट में है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर के बहुत सारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो हम अगले वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट का आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताइए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।